और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की मतगणना से जुड़ी हुई। मतगणना के बीच बड़ी खबर सामने आई है, रामपुर की सुहार सीट पर सपा को हार का सामना करना पड़ा है। सुबह से कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा था। सपा की अनुराधा चौहान कई राउंड में आगे चल रही थी, लेकिन आखिरी दौर में वो पिछड़ गईं। अनुराधा चौहान को अपना दल एस के उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी ने हरा दिया है। शफीक अहमद अंसारी ने 8,824 वोटों से जीत हासिल कर सपा का एक छत्र राज जो स्वार में चला आ रहा था उसे खत्म कर दिया है। अपना दल के उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी को कुल 68,513 वोट मिले। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अनुराधा चौहान को 59,689 वोट ही मिले। सपा ने जो प्रयोग करने की कोशिश की वो फेल हो गई और आजम खान का असर भी स्वार में नहीं दिखा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के बीच बड़ी खबर सामने आई है। जिन आजम खान का एकतरफा राज चलता था रामपुर में, वो धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है और आजम खान के साथ साथ समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। स्वार विधानसभा सीट जहां पर हिंदू उम्मीदवार को कभी जीत ही नहीं मिली, वहां पर समाजवादी पार्टी ने हिंदू कार्ड खेला था और अनुराधा चौहान के साथ एक नया प्रयोग करने की कोशिश की थी। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि अनुराधा चौहान को उम्मीदवार बनाएंगे तो मुस्लिम और यादव जो वोटर हैं वो तो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन चौहान और जो सवर्ण वोटर है वो भी सपा के साथ आ जाएगा और इससे समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी, लेकिन यहां पर ये प्रयोग फेल होता दिखाई दे रहा है। अपना दल एस उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी ने जीत दर्ज कर ली है। 8,824 वोटों के अंतर से शफीक अहमद अंसारी ने जीत दर्ज की है, जिससे सपा और आजम खान को बड़ा झटका लगा है। अनुराधा चौहान को 59,689 वोट मिले और जीतने वाले उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी को कुल 68,513 वोट मिले। 8,824 वोटों के अंतर से शफीक अहमद अंसारी ने जीत दर्ज कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर स्वार विधानसभा सीट पर शुरुआती रुझानों में अपना दल एस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। अनुराधा चौहान जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, शुरुआती रुझानों से लेकर आखिरी राउंड तक की गिनती तक अनुराधा चौहान लगातार आगे चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ राउंड में अनुराधा चौहान ऐसी पिछड़ी कि फिर वो बढ़त नहीं बना पाई और जो उम्मीदवार अपना दल एस के शफीक अहमद अंसारी हैं जो पीछे चल रहे थे, उन्होंने आखिरी दौर में बढ़त बनाई और जीत हासिल कर दी। 8,824 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से, जहां पर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और हार का सामना करना पड़ा है।